नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में, जो आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहा चुनावी मैदान में। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा इनहेरिटेंस टैक्स पर दिए अपने बयान के बाद एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने पूर्वी भारत और उत्तर भारत के रंग रूप पर बयान देकर एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल ला दिया है। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन को दिए इंटरव्यू में उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, पूर्व में रहने वालों की तुलना चाइनीज और दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीकियों से की थी। अपने बयान के कारण विवादों में घिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी खुद पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद सियासी पारा बढ़ चुका है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर स्मृति ईरानी तक ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। किस किस नेता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने फिर कांग्रेस की विभाजनकारी सोच का प्रदर्शन किया। गांधी परिवार के बेहद करीबी और शहजादे के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा है वो शर्मनाक है। कांग्रेस को लगता है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं। क्या ऐसी बातें देश स्वीकार कर सकता है क्या? कांग्रेस को लगता है कि साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। मैं जरा सीतारमैया जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटका के लोगों पर यह आरोप आप स्वीकार करेंगे क्या? मैं तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, क्या वे इस प्रकार के आरोप को स्वीकार करेंगे क्या? मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, जो तमिल संस्कृति की बात करते हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्या तमिलनाडु डीएम के कांग्रेस के साथ अपना नाता तोड़ने की घोषणा करेंगे क्या? तमिल स्वाभिमान के लिए, तमिल लोगों के लिए क्या वो हिम्मत है क्या उनमें? एक बार फिर कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस पर राजनीति करती है, तुष्टिकरण की राजनीति करती है, और अब तो एक स्तर और नीचे गिर गई है। जातिवाद पर इस तरह की टिप्पणी कि अगर आप पूर्व के हो तो चाइनीज दिखते हो, पश्चिम के हो तो अरब की तरह दिखते हो, उत्तर के हो तो अंग्रेज की तरह दिखते हो, दक्षिण के हो तो अफ्रीकन की तरह दिखते हो, ये किस तरह की सोच है? ये कांग्रेस के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को तो अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने की सोच भी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है, कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। एक और जहां बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर बिना मुद्दे की बात करने पर तंज कस रहे हैं।
चाहूंगा मैं कि लूज बॉल्स आपकी तरफ से भी आती हैं, इनहेरेंट टैक्स की बात आ गई, साहब ने करी, आज उन्होंने एक कमेंट कह रहे हैं हमारी तरफ से आती हैं, लूज बॉल्स जो आती है उसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को तो फुल टॉस खेलने का मौका मिलता है। आज मंच से उन्होंने ये कहा कि जो रेसिस्ट कमेंट किया है स्वयं पत्रुदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी कनेक्ट सुन लीजिए, पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ना जो क्या कहते हैं फुल टॉस पे क्या कहा आपने, फुल टॉस पे लूज बॉल मिलती है तो फुल टॉस लगाते हैं। जो प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो आप जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं उस पे खेलिए, फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। कोई भी भाजपा का एक नेता मुद्दे की बात कर रहा है क्या? कौन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है? देखो चार चीज असंभव है, हमने पहले भी कहा कि सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और भाजपा और मोदी जी के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। ये चारों चीजें असंभव है। इनको बताना चाहिए कि कितना नौकरी दिए मोदी जी। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा की नायब सैनी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद राज्य सरकार अल्पमत में आ गई है। इसे लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि किस नेता ने क्या कहा। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज दंड किसी ने है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, इनका भी योगदान होगा कि ये आज से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जनभावना कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया। देखिए क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं, पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे, जिससे किसी को होंगी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। तीन विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है, हमारी सरकार 3-3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। चलो मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।